एवरीवन, आई एम डाइटिशियन सोनाली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम रेमेडी ऑफ डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स काफ़ी सारे लोगों को होते हैं, काफ़ी सारे रीजंस की वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। बेसिकली उस रीजंस को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है जो आपको बोल देते हैं कि लाइक डार्क सर्कल्स इस क्रीम को यूज़ करने से दूर हो जाएंगे, वो क्रीम को यूज़ करने से दूर हो जाएंगे। बट बेसिकली अगर आप जो रीज़न है उसको दूर नहीं करोगे तब तक वो आपके डार्क सर्कल्स दूर नहीं होंगे। और एक बात बताऊं कि जैसे जितने भी प्रॉब्लम्स होती है जो हमारी हेल्थ को लेके, उसके सारी रेमेडीज़ हमारी किचन में होती है। जितने नेचुरल वे से आपकी चीज़ें दूर हो सकती हैं, कोई भी चीज़ या कोई भी क्रीम इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितने कि हमारी होम रेमेडीज़ इफेक्टिव होती हैं। बिकॉज पहले टाइम पर तो कोई क्रीम अवेलेबल नहीं होती थी, पहले टाइम पर भी लोग होम रेमेडीज ही करते थे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम रेमेडीज़ जिससे आपके डार्क सर्कल्स बहुत दूर हो जाएंगे। बट मेक श्योर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका रीज़न क्या है। ओके, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। आई स्ट्रेन, इसका मतलब बहुत ज़्यादा टीवी देखने से, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से, मोबाइल यूज़ करने से या फिर लैपटॉप यूज़ करने से काफ़ी टाइम तक बहुत पास से, तो उससे भी आपका आई डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। आई स्क्रबिंग, आप बहुत ज़्यादा अपनी आईज़ को रब करते हो तो उससे भी आपको लाइक डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। या फिर उसका वो रीज़न हो सकता है आपकी आईज़ थक जाती हैं, आप काफ़ी टाइम तक काम करते हो बट आईज़ को रेस्ट नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन, आपकी बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी है, मतलब पानी आप कम पीते हो, हाइड्रेट नहीं रहती है आपकी बॉडी, उसकी वजह से भी हो जाता है, पानी कम पीने की वजह से भी। ओके, तो आप देखोगे जिस दिन आप पानी नहीं पीते तो आपकी उस दिन आपकी आईज़ भी थकी थकी सी लगती हैं। आपकी नींद ना पूरी हो उसकी वजह से, ये सबसे बड़ा रीज़न है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के उसी ही वजह से होते हैं। और जो मैंने दूसरा बताया आई स्ट्रेन, वो भी सबसे बड़ा रीज़न है। काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया बहुत पास से यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी आप लोगों को डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री, मतलब अगर किसी को फैमिली में है, जींस की वजह से भी हो जाता है। एक्सेस सन एक्सपोजर, मतलब धूप में बहुत ज़्यादा आना जाना है तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। या कुछ आपकी एज का भी इफेक्ट पड़ता है, एज के अकॉर्डिंग भी काफ़ी लोगों को डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। इसकी रेमेडी सच बताऊं तो यही है कि आपको रेगुलर मसाज करनी होगी आपने आईज़ पे, ताकि उसको भी रेस्ट मिल सके। जितनी आप अच्छे से उसकी मसाज करोगे, ब्लड सर्कुलेशन उतना ही अच्छा होगा और आईज़ मसल्स जो है वो एकदम हेल्दी हो जाएंगे और आपकी आईज़ भी रिलैक्स फील करेंगे और हेल्दी हो जाएंगी, ठीक है। और आपका आई सेट भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको आईज़ में प्रॉब्लम है, आई सेट आपका वीक है, तो वो अभी आपका ठीक हो जाएगा। अब इसको बनाना कैसे है, दो से तीन रेमेडीज आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें से जो आपको सुटेबल रहे बना के रख सकते हो। फर्स्ट रेमेडी आपको लेना है हनी 1 स्पून। ओके, शहद आपको लेना है 1 स्पून, एलोवेरा जेल लेनी है आपको 1 स्पून, आधा कुकुम्बर आपको लेना है, आलू लेना है, उन दोनों को ग्रेट कर लेना है और उसका छिलका आपको नहीं उतारना है, कुकुम्बर और आलू के छिलके के साथ आपको लेना है, उसको ग्रेट कर लेना है और उसका जूस निकाल लेना है और फिर इन सब चीज़ों को मिक्स करके कटोरी पे रख लेना है, छोटी सी डिब्बी में मिक्स करके रख लेना है। और उसको आप जब चाहो दिन में 3 बार उसको आपको आइस पे मसाज करना है, अच्छे से मसाज देना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ताकि आपके मसल्स जो है रिलैक्स हो सके, हेल्दी हो सके, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके और आपके डार्क सर्कल्स दूर हो सके। ओके, 1 स्पून आपको हनी लेना है, 1 स्पून आपको लेनी है एलोवेरा जेल, और उसके बाद 1/2 कुकुम्बर, ठीक है, आलू छिलके के साथ दोनों लेने हैं, अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसको ग्रेट करके उसका जूस निकाल के इन सब चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है और एक छोटे से डिब्बे में आपको डाल के रख देना है। ओके, आप उसको चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हो। दिन में एक डे में उसको 3 टाइम्स आइस पे मसाज करना है आपको, अच्छे से मसाज करना है, बट बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं, हल्के हाथों से उसको मसाज देनी है। ओके, सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको मसाज देनी है एंड देन जो ये पॉइंट होते हैं उनको अच्छे से दबाना है ऐसे करके, ताकि उसके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो सके, ऐसे ऐसे। ओके, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। एंड देन नेक्स्ट रेमेडी है, आपको क्या करना है, 1 टीस्पून आपको लेना है एलमंड ऑयल, जिसको हम बोलते हैं बादाम का तेल, 1 टीस्पून आपको लेना है ग्लिसरीन, 1 स्पून आपको लेना है एलोवेरा जेल, 1 लेना है आपको विटामिन ई का कैप्सूल और 1 स्पून आपको लेना है वैसलीन। इन सब को मिक्स करके रख देना है, 10 दिन का ये मटेरियल आपका रेडी होगा। इसको भी 2 से 3 बार आपको अप्लाई करना है। जो भी रेमेडी आपको अच्छी लगे आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज तीनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ओके, सो ये मटेरियल आपका 7 to 8 या 10 डेज तक रेडी होगा। 3 बार इसकी मसाज कीजिए, सुबह मॉर्निंग में एक बार, दोपहर में एक बार, रात को सोने से पहले पानी खूब सारा पीजिए। ओके, जिससे आपकी आपकी नींद पूरी भी कीजिए अपने साथ में, आपको बहुत अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे।
तीसरी रेमेडी आपको लेना है 1 स्पून हनी शहद, 2 स्पून आपको लेना है रोज वाटर, थोड़ी सी पिंच ऑफ आपको डालनी है हल्दी, ठीक है। इनका एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर बना लेना है, क्रीमी फॉर्म में आएगा, उसको अच्छे से ब्लेंड करना आप हाथ से या चम्मच से, इसका बहुत एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, एक आलू लेना है, आलू के बीच में आपको छोटे छोटे से होल्स कर देने हैं फोक के साथ, एंड देन वो मिक्सचर आपको आलू पे लगा के, छोटे से आलू के स्लाइस पे लगा के उसको आइस पे ऐसे ऐसे रब करना है, आइस को बंद करके अच्छे से उसकी मसाज करनी है। ये तीनों रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप तीनों में से कोई भी रेमेडी यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों की आईसेट भी अच्छी नहीं है, आपको आइस में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, आईसेट वीक लग रही है या कुछ धुंधला दिख रहा है, तो या फिर आपको पास या दूर से नहीं दिखते, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। सो बाज़ार की क्रीम से अच्छा आप घर की होम रेमेडीज़ ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रही होगी ना, आपको काफ़ी सारे टिप्स मिले होंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।